हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नमन एंड वेलकम बैक टू टेक प्लस गैजेट्स डॉट कॉम। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ फ़ोन रेडिएशन के बारे में। फ़ोन रेडिएशन जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, जो फ़ोन से जो रेडिएशन एमिट होती है, निकलती है, वो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो ऐसे टॉप 13 फ़ोन हैं जो सबसे ज़्यादा एमिट करते हैं, निकालते हैं रेडिएशन। तो ये मैं अपने हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, ये एक्चुअली एक फेडरल ऑफिस है रेडिएशन का, जो हर एक फ़ोन को टेस्ट करती है, भले वो फ्लैगशिप हो या बजट फ़ोन हो, सारे फ़ोन्स को टेस्ट करती है और उसके बाद एक लिस्ट निकालती है हर साल कि सबसे ज़्यादा रेडिएशन कौन सा फ़ोन एमिट कर रहा है, निकाल रहा है। तो उसी के बारे में हम सब कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ उस देखने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा उसको प्लीज़ दबाए, और ऐसी और भी वीडियोज़ मैं इन फ्यूचर बनाता रहूँगा। तो जो स्टैटिक्स करके एक वेबसाइट है, उन्होंने टॉप 13 फ़ोन्स निकाले हैं, लिस्ट आउट किए हैं, मैं लिस्ट वो लगा देता हूँ यहाँ पे, ये पूरे टॉप 13 लिस्ट है। तो नंबर 1 पे जो फ़ोन आता है वो इंडिया के सबसे पॉपुलर ब्रांड Xiaomi की तरफ से आता है। MI A1 करके जो फ़ोन था उनका, एंड्रॉयड 1 के साथ जो रिलीज़ हुआ था, वो फ़ोन जो है वो सबसे ज़्यादा रेडिएशन एमिट्स में सबसे नंबर 1 पे आ रहा है, सबसे ज़्यादा रेडिएशन एमिट करता है। एक्चुअली सीन ये है कि जो फ़ोन है हम आज के टाइम पे हाई प्रायोरिटी पे यूज़ करते हैं, जब हम सोते हैं तब भी वो पिलो के पास होता है या टेबल के पास होता है, दिन भर हमारे पॉकेट में होता है, मतलब हमारे पास ही होता है, तो वो रेडिएशन कंटिन्यू वो मतलब निकालता रहता है। तो उसकी वजह से ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्मफुल वो पहुँचा रहा है। तो उसी की तरह है जो MI A1 है वो नंबर 1 पे आता है, जिससे सबसे ज़्यादा रेडिएशन निकालने का रिकॉर्ड दर्ज कर दिया है, अराउंड 1.7 वाट पर किलोग्राम का जो है रेडिएशन निकाल रहा है। तो दूसरे नंबर पे है, वो भी बहुत फेमस ब्रांड है, वो है OnePlus 5T। ये भी एक 2 साल पहले जो इसका फ़ोन है, तो ये भी जो सेकेंड नंबर पर आता है, जो सबसे ज़्यादा रेडिएशन निकाल रहा है आज के टाइम पर। तो ऐसे ही Xiaomi का तीसरा फ़ोन, तो Xiaomi का ही फ़ोन है, मतलब थर्ड नंबर पे जो है वो है MI Max 3। ये बड़ा सा बड़ी स्क्रीन के साथ जो फ़ोन आया था वो तीसरे नंबर पे आता है, और वो अराउंड 1.58 वॉट पर किलोग्राम की उससे रेडिएशन निकालता है फ़ोन के। और इसमें iPhone 7 भी आ जाता है, तो मतलब iPhone भी इसमें पीछे नहीं है रेडिएशन के मामले में। सब बोलते हैं iPhone सेफ है, बट ऐसा कोई सीन नहीं है। iPhone 7 जो है वो भी इस लिस्ट में है। OnePlus का जो इस साल का सबसे बेस्ट फ़ोन है OnePlus 6T, वो भी इस लिस्ट में है, 5वें-6वें नंबर पे आपको दिख जाएगा। OnePlus 6T भी इस लिस्ट में आ चुका है, जो रेडिएशन के मामले में टॉप 13 लिस्ट में आ रहा है। तो रेडिएशन फेडरल ने सिर्फ वही फ़ोन नहीं बताए हैं जो एमिट करते हैं, जो निकालते हैं रेडिएशन, ऐसे और भी फ़ोन बताए हैं जो रेडिएशन बहुत कम निकालते हैं, जो निकालते ही नहीं है, वो उसकी भी 13 लिस्ट बनाई है। तो नंबर 1 पे जो फ़ोन आता है वो आता है Samsung Galaxy Note 8। जो ये फ़ोन है सबसे ज़्यादा कम, बहुत ही ज़्यादा कम इसकी रेडिएशन जो है वो निकलती है, और ये फ़ोन सबसे सेफ माना गया है रेडिएशन के मामले में। तो ये थे कुछ ऐसे फ़ोन्स जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अपनी अपनी फील्ड में। MI A1 जो आया था एंड्रॉयड 1 के साथ, जो बहुत ज़्यादा फेमस था, और वो फ़ोन बहुत ज़्यादा बिका और बहुत ज़्यादा बिजनेस किया Xiaomi ने उसके साथ। तो वो फ़ोन नंबर 1 पे आज के टाइम पे है, जो सबसे ज़्यादा रेडिएशन पैदा कर रहा है। और OnePlus का भी जो OnePlus 5T है, वो भी उसने भी कमाल का बिजनेस किया था, वो सेकंड नंबर पे आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ़ोन जो है आज के टाइम पे सारे सेफ हैं, कम पैसों में वो बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन वो बहुत कुछ ले भी रहे हैं आपकी ह्यूमन बॉडी के साथ। कि महंगे से महंगे फ़ोन हो, अच्छे से अच्छे फ़ोन हो, सस्ते फ़ोन हो, सारे के सारे फ़ोन जो है रेडिएशन फ्री आज के टाइम पे नहीं है। तो जितना कम यूज़ हो हमें फ़ोन को, जब हम सोते हैं तो एटलीस्ट हमें फ़ोन को साइड में रखकर सोना चाहिए। ये सब की कुछ प्रिकॉशंस है जिसकी वजह से हम रेडिएशन को रोक सकते हैं। उसके अलावा मेरे हिसाब से कोई भी प्रिकॉशन नहीं है, क्योंकि हमारी सेफ्टी हमारे ही हाथ में है। तो ये कुछ मतलब ज्ञान देने वाली जो बात थी वो मैंने अभी कही है। तो ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, ताकि आप टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े रहें, लेकिन थोड़ा उसको यूज़ करें थोड़े अच्छे वे में। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और हमारी वेबसाइट भी लाइव है, तो उस वेबसाइट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है। तो प्लीज़ आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करिए। हम सोशल प्लेटफॉर्म पे भी हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, उसकी भी सारी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है।
और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. बाय, पीस.